जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रधानमंत्री कैसा है? बिहार की राजनीति में तो भूचाल आना ही आना है। अब इस समय की बात है कि भूचाल कब आता है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद। आज तक किसी माई का लाल का साहस नहीं हुआ कि नीतीश कुमार के कपड़े पर कोई दाग दिखा दे। भारत की राजनीति में एक तस्वीर इन दिनों बेहद चर्चा में है। ये तस्वीर G20 शिखर सम्मेलन के दौरान डिनर पार्टी की है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक साथ दिखाई दे रहे हैं। वैसे तो गैर भाजपा शासित राज्यों से M.K. स्टालिन आए थे, सुखविंदर सिंह सुक्खू भी आए थे, लेकिन जो नीतीश कुमार पिछले एक साल से ज्यादा समय से PM मोदी के साथ दिख नहीं रहे थे, उनका इस कार्यक्रम में दिल्ली आना कुछ लोगों को हैरान कर रहा है और कहिए तो सुर्खियां भी बटोर रहा है। और यही वजह है कि नीतीश कुमार के कभी करीबी रहे जीतन राम मांझी दावा कर रहे हैं कि बिहार की राजनीति में भूचाल आने वाला है। भूचाल का मतलब यह है कि एक बार फिर नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं। इधर तेजस्वी जी अपना वहां चढ़ा रहे हैं और उधर बाइडन से मिल रहे हैं, केयर ऑफ नरेंद्र मोदी जी, ये नीतीश जी, तो दोनों अपने एक तरफ से एक दूसरे को दिखला रहे हैं कि हम वहाँ भी हो सकते हैं, ये कह सकते हैं कि हम अलग भी हो सकते हैं। तो बिहार के राजनीति में तो भूचाल आना ही आना है। अब इस समय की बात है कि भूचाल कब आता है। खैर, ये तो ऐसी अटकलें हैं जिससे फिलहाल JDU और भाजपा दोनों इनकार कर रही है। लेकिन मोदी से नीतीश कुमार की मुलाकात के अगले ही दिन नीतीश कुमार की पार्टी के अध्यक्ष ललन सिंह ने नीतीश कुमार के ही इलाके में प्रधानमंत्री पद के लिए नीतीश की दावेदारी ठोक दी। ललन सिंह ने हरनौत के लोगों से कहा कि आप सब ने एक ऐसा नेता बिहार को दिया है जो आज पूरे देश का नेतृत्व करने के लिए खड़ा है। सुनिए, आप सबों ने एक ऐसा नेता इस देश को बिहार को दिया है जो पूरे देश का बिहार का नेतृत्व तो कर ही रहे हैं, पूरे देश का नेतृत्व करने के लिए आज खड़ा है। आज तक किसी माई का लाल का साहस नहीं हुआ कि नीतीश कुमार के कपड़े पर कोई दाग दिखा दे। तो ये था ललन सिंह का बयान। वहीं आज तो JDU के कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार के घर के बाहर जमा हो गए और नीतीश कुमार के पक्ष में नारेबाजी करने लगे। उन्होंने नारा लगाया कि देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। प्रधानमंत्री कैसा हो? नीतीश कुमार जैसा हो। प्रधानमंत्री कैसा हो? नीतीश कुमार जैसा हो। कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसे में अब सवाल है कि क्या नीतीश कुमार को लेकर ये सारे घटनाक्रम सिर्फ संयोग मात्र है या फिर इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को भाव नहीं मिल रहा है और इसी वजह से नीतीश कुमार एक बार फिर कोई नया प्रयोग करने जा रहे हैं, जिस प्रयोग को आप कहते हैं कि वो पलटी मार रहे हैं। खैर, सवाल यह भी है कि इंडिया गठबंधन में PM के दावेदारों पर भी है, क्योंकि राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव और उद्धव ठाकरे से लेकर अरविंद केजरीवाल तक की पार्टी ने इन्हें PM पद का दावेदार बताया है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? नीतीश कुमार का भाई 2024 का को लेकर प्लान क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाहते हैं? अगर इसके बारे में आपको कोई अनुमान है, आपकी कोई भविष्यवाणी है या फिर आप जो कुछ भी सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके बताइए। और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए ABP Live।